क्वालिटी इज गुड, नो डाउट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल स्टे होम फैशन एंड डेकोर। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ किचन के कुछ डेकोर आइटम्स। बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही क्यूट क्यूट हैं और रीजनेबल प्राइजेस में आप लोगों को जरूर अच्छे लगेंगे। इतने अच्छे लगेंगे कि बिल्कुल भी आप इन्हें लिए बिना तो नहीं मानोगे, डेफिनेटली। तो ये इतने ज्यादा क्यूट भी हैं, येट दे आर यूजफुल। ऐसा नहीं है कि यूजफुल भी नहीं है, यूजफुल हैं तभी मैंने मंगवाए हैं अपने किचन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर देते हैं बहुत ही अच्छी सी ब्यूटीफुल सी मैट्स के साथ। तो ये वाली मैंने मैट्स मंगवाई थी, सिलिकॉन मैट्स हैं ये और पैक ऑफ फोर हैं। आई थिंक दे आर 300 और समथिंग रुपीज, तो जो भी कुछ होगा एग्जैक्ट प्राइस यू ऑल नो कि मैं मेंशन कर दूंगी यहीं कहीं। तो ये वाली जो मैट्स हैं मैंने ली थी, ये हीट रेजिस्टेंट मैट है और मेरे पास जो पहले लिए थे मैंने वुडन के, वो मैं अब अपनी शेल्फ वगैरह में यूज़ कर रही हूँ। जैसे कोई मैंने तेल का बॉटल रखा हुआ है तो उसके नीचे मैं यूज़ कर लेती हूँ ताकि वो तेल फैले ना। तो आई वॉन्टेड अगैन, तो ये मैं वही स्क्रॉल करते करते तो मुझे ये बहुत ही प्यारे से दिखे और इनका साइज भी काफ़ी अच्छा था तो मैंने ये ऑर्डर करे थे। तो यू कैन सी, नहीं नहीं थ्री नहीं फोर ही रिसीव हुए हैं, बट प्रॉब्लम इज कि मुझे दो कलर एक सा मतलब एक जैसे मिल गए हैं। जैसे कि पिक्चर में आप यहीं कहीं पिक्चर में लगा दूंगी तो पिक्चर में कलर्स चेंज थे और इसमें मुझे दोनों कलर सेम मिले हैं। मुझे चाहिए थे अलग कलर, मुझे सेम नहीं चाहिए थे, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ तो मुझे डिफरेंट कलर्स अच्छे लगते हैं। तो चलिए लेट्स सी कि इनको मैं यूज़ करूँगी या फिर रिटर्न करूँगी अगर मेरे को और कोई ऑप्शन दिखता है इनसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट तो मैं डेफिनेटली इनको रिटर्न कर दूँगी। और चलो लेट्स सी क्या होता है, बट हाँ ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं। और इनका जो ये मटेरियल है ना, ये बिल्कुल सिलिकॉन है, बहुत ही प्यारा सा है, ऐसा नहीं है कि स्टिफ है, बहुत ही ईजी टू कैरी भी है। इसको क्या होगा ना, अगर ये गंदा भी हो जाएगा तो वॉश करके इजिली आप हैंग कर सकते हो। यहाँ पर हैंगिंग के लिए भी एक होल गिवन है और कहीं पर भी अगर आपको डेकोर के लिए भी यूज़ करना है ना मेरी तरह, अगर आपको बैकड्रॉप चाहिए तो आप इसको यहाँ पर भी चिपका सकते हो। चलो जोक्स अबाउट, बट हाँ दे आर गुड, स्टफ इज गुड और प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, पैक ऑफ फोर इज गुड। सेकेंड है, मैंने ये वुडन ट्रे ली थी। ये एक्चुअली पिज्ज़ा बेस का ट्रे है बट मुझे ये पिज्ज़ा के लिए यूज़ नहीं करनी थी, बट मैं एज अ सर्विंग ट्रे इसको यूज़ करना चाह रही थी। लाइक कभी कभी हम लोग वो वाले चिप्स फ्राई कर लेते हैं ना, तो वो जो प्लेटिंग होती है मुझे बहुत अधूरा सा लगता है और ऐसे पकड़ के ले जाना तो इट रियली मुझे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहती हूँ मैं। तो इसलिए मैंने ये वाला, थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ जाता है अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं और सर्विंग के लिए आप कुछ चाहते हो कि हाँ सर्विंग ब्यूटीफुल लगे तो खाने वाले का मन भी लगेगा, तो इस वजह से मैंने ये ट्रे मंगाई थी। और ये ट्रे भी आई थिंक 200 और समथिंग की है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक है अकॉर्डिंग टू द प्राइस, और काफ़ी अच्छी है, हैवी मटेरियल की है, लाइट वेटेड नहीं है। तो आई थिंक ये वुडन ही है, वो क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड वगैरह जो होता है ना, तो वो नहीं है, ये वुडन ही है बिल्कुल। सो एक मैंने ये मंगवाया था। एंड थर्ड थिंग वाज कि ये तो जितने भी मंगाओ ना घर में उतने ही कम है, क्योंकि रोज रोज हम चार लोगों का खाना पैक होता है, मॉर्निंग में हम सब चले जाते हैं, हस्बैंड भी, मैं भी, बच्चे भी, तो ये तो मुझे बहुत कम पड़ जाते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, पैकिंग में यूज़ होता है और फिर कैसरोल्स में भी रोटी वगैरह रखने के लिए आई यूज़ इट, तो ये मेरा जल्दी ख़त्म हो जाता है। 25 मीटर का दे मेंशन किए 25 मीटर है, बट आई डोंट नो कि वो 25 एग्जैक्ट होता होगा कि नहीं, बट ये है कि दे आर वेरी लेस कॉस्टेड, मतलब ये है कि इसमें इतना कम प्राइस है मीशो में इनका रोल्स का, तो और क्वालिटी भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी है, बट आई लाइक इट। तो इसलिए मैंने अभी अनबॉक्सिंग में भी देखा होगा आपने, तो बाय मिस्टेक मैंने ये चार रोल मंगा लिया, बाय मिस्टेक, बट ये कि कोई नहीं, यूज़ तो होगा ही है, कभी ना कभी तो यूज़ होंगे, रिटर्न तो क्या ही करना है। तो आज की वीडियो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि पिछली मेरी वीडियो जो मैंने रिव्यू करी थी वो बहुत लॉन्ग बन गई थी, तो उस पर मेरे ज़्यादा लोगों ने प्यार नहीं दिया जो कि मुझे लग रहा था शायद देंगे, बट चलिए होप फॉर द बेस्ट। और अभी मैंने एक पैन मंगवाया था मेरे हस्बैंड के लिए, बेसिकली पैन मतलब मारने वारने के लिए नहीं, बट हाँ उनको ग्रिल सैंडविचेस काफ़ी पसंद आते हैं, ब्रेड वगैरह ऐसे अगर मैं नॉर्मली भी उनको सेक कर दे दूँ तो अच्छे लगते हैं,
तो उसके लिए मैंने ये पैन मंगवाया, बट मुझे इसकी क्वालिटी में थोड़ा सा डाउट है। रिव्यूज इसके अच्छे थे बट मुझे साइज बहुत अच्छा है इसका, बता दूं तो, बट मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं वॉश करने के बाद ये बिल्कुल खराब ना हो जाए, बट लेट्स सी कि कैसा रहता है, ये यूज करने के बाद ही पता चलेगा। और अगर आप लोग चाहोगे कि मैं इसका रिव्यू करूँ तो मैं डेफिनेटली करूंगी। और इसके साथ हाँ, ये बहुत ही हल्का सा नो यूज वाला स्पैटुला मिला है, बहुत ही लाइट वेटेड है। अगर ये गलती से भी मेरे से गैस पे रखा गया ना और वो आग ने पकड़ लिया तो ये बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी, इतना लाइट वेटेड है कि एकदम माचिस की तिली की तरह जल जाएगा ये। और इसमें ये नो यूज वाला ये स्क्रबर भी मिला है, बहुत ही लाइट वेटेड है, मतलब मैल निकालने के लिए काम आ जाएगा, आई एम सॉरी टू से दैट, बट हाँ नो यूज है। चलिए और नेक्स्ट है ये रॉट आयरन का, वो टिश्यू रोल वाले के लिए मैंने एक स्टैंड मंगवाया था, वो कहीं पर भी बेचारे पड़े रहते हैं, एक जगह इसमें स्टैंड में रहेगा तो अच्छा लगेगा, तो इस वजह से मैंने ये मंगवाया था। तो आप लोग बताओ ये कैसा है। मेरे को तो वैसे क्या था ना कि उसमें वो रोल को पकड़ के ही टियर करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होगा, बट रखने के लिए इट्स गुड, बाकी यूज करने के बाद पता चलेगा। एक ये था 160 और समथिंग का, तो ये जब भी मैं उठा रही हूँ ना इसको ऐसे थोड़ा सा टर्न कर रही हूँ ताकि मुझे अच्छा लगे, ये गिर जाते हैं बार बार। तो या मैंने ये कोस्टर्स मंगाए थे, बहुत ही ब्यूटीफुल सी इसका ये कोस्टर वाला स्टैंड है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब अगर डाइनिंग टेबल्स वगैरह पे आप रखोगे ना बहुत प्रिटी लगेगा ये। और सबसे अच्छी बात की इसमें ये ऐसा है जैसे ड्रॉअर ओपन कर रहे हो एंड ड्रॉअर ओपन करके कुछ सामान निकालना है, चलो चलो जैसे भी लग रहा है जिसको, अच्छा चलो ठीक है। तो ये कोस्टर्स कुछ इस तरीके से है, आप एक कोस्टर इसको ऐसे करके निकालो, यूज इट एंड इसको वापस डाल दो, तो इट इज रियली गुड। और इसके साथ मुझे एक सरप्राइज मिला जो कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, वो सरप्राइज मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ कि मैंने ये बहुत ही क्यूट से फोक्स मंगवाए थे, ये एक्चुअली मैंने अपने बच्चों के फ्रूट ब्रेक के लिए मंगवाए हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी फोक होती है, वो टिफिन में भी नहीं आती है और वो इंजॉय भी नहीं करते हैं, तो मैंने उनके लिए ये फोक मंगवाई थी। इसके साथ ये बहुत ही क्यूट सा स्टैंड है, बट स्टैंड के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये बार बार इसके जो ये बैंगल्स हैं, ये रिंग्स हैं, ये निकल रही हैं बार बार, तो ये एक ही जगह अगर स्टे होके रहेगा तो ये ठीक रहेगा, अदरवाइज बच्चों के ये खेलने के लिए भी बहुत अच्छा काम आएगा, छोटे बच्चे हैं आपके घर में तो वो पूरे दिन इसमें रिंग्स को ये ऐसे डालते रहेंगे, इसके अंदर निकालेंगे एंड दे विल पुट इट ऑन, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही क्यूट से इसमें अलग अलग फ्रूट्स के फेसेस बने हुए हैं, लाइक एप्पल है, वी हैव अ स्ट्रॉबेरी एंड वाटरमेलन, और बहुत अच्छे से मैंगोस, पियर, बहुत प्यारे क्यूट क्यूट से इसमें फोक्स हैं, तो दे विल डेफिनेटली इंजॉय इट। और अभी मैं इसको रख रही थी तो ये सारा ऊपर आ गया, निकल जाएगा, तो ये थोड़ा सा ना मतलब इजी टू हैंडल नहीं है, फोक्स क्यूट है नो डाउट, बट जो स्टैंड है ना वो थोड़ा सा एक स्टेबल होना चाहिए था, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसमें स्टेबिलिटी रहनी चाहिए थी। अच्छा चलो अब नेक्स्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैंने ये कटलरी स्टैंड मंगवाया था, तो कटलरी स्टैंड मेरे पास ऑलरेडी है, बट उसमें मैंने, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो दिखा होगा तो उसमें मैंने गोल्डन स्पून्स और फोक्स मंगवाए थे, तो वो बहुत ही छोटे साइज के हैं, आई मीन इतने साइज के हैं कि वो मैं सिर्फ उसी में यूज करती हूँ, जैसे गेस्ट वगैरह आ जाता है तो सर्विंग में नमकीन वगैरह जैसे आप सर्व करते हो कुछ भी ऐसे स्नैक्स, तो उसमें वो काम आ रही हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। तो मेरे मतलब जो मैंने ऑर्डर करा था मुझे लगा था उसका साइज छोटा है, इससे भी मैंने सोचा था छोटा है, बट द साइज इज गुड, तो इसमें मैं वो गोल्डन स्पून और फोक्स रखना सोच रही थी, बट साइज बिग है, मतलब साइज अच्छा है नो डाउट, आप इसमें और अपनी स्पून्स वगैरह रख सकते हो, बट मैंने बेसिकली उन्हीं के लिए मंगवाया था और मुझे लगा था कि इसका साइज इतना होगा, तो ये साइज बड़ा है, मैं देखती हूँ कि अगर वो चीज़ इसमें अच्छी लगी तो आई कीप इट, अदरवाइज मुझे शायद रिटर्न करना पड़े, बट मेरा मन नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और गोल्डन वाले ऐसे कुछ आइटम्स ना किचन में रखे हुए बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं।
और आप तो ऐसे वाले हैंडल्स में ना यू कैन हैंग इट समवेयर इन द किचन और वो उसमें से स्पून निकाल के मतलब कैसे भी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो, तो ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अच्छा नाउ एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, ज्यादा बड़ा हॉल नहीं था मेरा, बट हाँ आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग कि मेरे साथ क्या सरप्राइज हुआ। तो आई हैव ऑर्डर्ड दिस कोस्टर एट 300 और समथिंग रुपीज, तो मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा था, नो डाउट, बट उसके साथ साथ ना मैंने एक ये टिश्यू होल्डर भी ऑर्डर करा था। तो टिश्यू होल्डर जो वो स्क्वायर्स वाले होते हैं, तो उसके लिए भी मुझे एक होल्डर चाहिए था रखने के लिए, क्योंकि जो पुराना था वो खराब हो चुका था, स्टील का था, और कुछ ऐसा क्रिएटिव सा आई वॉन्टेड, तो ये वाला मैंने ऑर्डर करा था उसमें। तो ये 204 रुपीस का था, 204 रुपीस का। सो इसके साथ जब वाइल आप मेरी अनबॉक्सिंग में देखना मेरा क्या रिएक्शन था, इसके साथ मेरे को ये भी आ गया। सो मैंने ऑर्डर तो एक ही करा था, बट आई हैव रिसीव्ड टू, तो अब दो का मैं क्या करूं, एक ही काफी होता है टिश्यू होल्डर, तो दो का तो मैं क्या ही करूं। बट मैं इतनी ज्यादा कंफ्यूज थी कि ये दो मुझे क्यों आ गए, मतलब बाय मिस्टेक आ गए होंगे मे बी, बट अभी मैंने दोबारा इसको चेक करा तो उसमें 204 में दो ही क्वांटिटी लिखी हुई थी, मैंने वो ध्यान नहीं करा, तो इट वाज टू मेंशन देयर। कोस्टर को देखा, इसका प्राइस में चेक करी थी एग्जैक्टली क्या प्राइस है, तो कोस्टर के साथ ये ऑर्डर डिटेल्स में दोनों का जो प्राइस है वो टोटल होके आ रहा था, तो आई थॉट कि मे बी कोस्टर के साथ ये मिलेगा, मिला है मुझे, बट वो ऐसा कुछ नहीं था, तो यही दोनों पैक ऑफ टू मिले थे मुझे। तो इट्स अ वेरी गुड डील, इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब हैवी है ये और इतने ज्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे, आइदर यू कैन कीप इट ऑन योर डाइनिंग टेबल और एनी अदर टॉप, जो भी आपका कवर टॉप है या जहाँ पर भी रेफ्रिजरेटर पे भी यू कैन कीप इट, तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, और एक आप गिफ्ट कर सकते हो किसी को भी, तो एक ही यूज होगा, दो का तो कोई काम भी नहीं है। तो या आज के हॉल में बस इतना ही था, और मैंने एक केक स्टैंड भी ऑर्डर करा था, वो अभी तक शिप ही नहीं हुआ है, उसकी वजह से मेरी वीडियो बहुत ज्यादा डिले हो जाती, और ऊपर और एक और मैंने स्ट्रेनर मंगवाया था फॉर पास्ता वाला स्ट्रेनर जो होता है वो मंगवाया था, तो वो भी डिलीवरी आने में काफी ज्यादा लेट हो रहा है, मतलब वो भैया शायद 12 बजे से पहले पहले आते हैं, तो मैं 12 बजे नहीं मिल पाती हूँ, बिकॉज मैं अपने घर में 3 बजे के बाद ही एंटर करती हूँ, तो वो शायद मुझे नहीं मिलेगा या फिर एक दो दिन लेट और मिलेगा, तो मेरे को वीडियो बनाने में ज्यादा लेट नहीं करनी थी। तो आज की वीडियो में मेरा बस इतना ही था, और जो भी आप लोगों को आइटम पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वैसे कि आप लोग बता रहे हो थोड़ा थोड़ा, बट हाँ मुझे बताते रहना कि कहाँ मैं गलत हूँ कहाँ मैं सही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग मेरी कौन सी चाहते हो, मैं कौन से आइटम्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मुझे वीडियो में जरूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।